एक पुलिस में एक नियम लागू किया गया कि पास बनेगा बाहरी व्यक्ति के लिए जी, किस तरह का नियम? ऐसा मैं 24 जुलाई को वहाँ ज्वाइन किया तो देखा था कि ग्राउंड में टहलने वाले जो सही टहलने वाले वो भी आते थे, जो नहीं टहलने वाले हैं वो भी आते थे, काफ़ी भीड़ लगती थी। और मैं ग्राउंड में खड़ा होकर देखा कुछ ऐसे लोग भी आते थे जो उनका टहलना मकसद नहीं रहता था, उनका कुछ और मकसद होता था। मैं एक महीना इस पर विचार विमर्श किया कि कैसे इसको रोका जा सकता है। इस पर कुछ हमारे लोग थे, उन्होंने कहा कि साहब इसको रोकने पर इससे काफ़ी विरोध होगा। फिर भी मैंने इस पर एनालिसिस करता रहा कि कैसे इसको रोका जाए, क्योंकि पुलिस लाइन में कुछ भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी आरआई की होती है। अगर कोई भी घटना अगर घट जाती है तो सीधे कोई भी अधिकारी मुझसे पूछेंगे कि ये पुलिस लाइन में कैसे हुआ और क्यों हुआ, आप क्या करते रहे, आप क्या देखते रहे। इस सारे चीज़ों में वह पोक स्थिति में था। एक दिन मैंने अपने जो हमारे स्टाफ हैं उनसे हमने चर्चा किया कि ऐसा करें तो क्या अच्छा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि प्लानिंग तो सही है लेकिन साहब करना मुश्किल है। हमने कोई मुश्किल नहीं है, एक बार करके देख लें, एक बार ट्राई किया जाए, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर इस बात को जो हमारे मौजूदा कप्तान साहब हैं इनके सामने हमने इस बात को रखा कि सर ऐसी ऐसी है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं और उनको रोकना बहुत ज़रूरी है और हमारे पुलिस लाइन में बेतहाशा घूमते हैं और उनसे पूछो तो कहते हैं मैं तो टहलने आया था, मैं पुलिस की तैयारी करने आया था, ये अपना बहाना करते हैं। और ये भी मैंने देखा कि जो हमारे पुलिस परिवार के बच्चे हैं उनके दोस्त भी आया करते थे तो उनके बहाने वो भी आते थे। तो साहब ने हमसे पूछा कि क्या कर सकते हो। हमने कहा साहब अगर पास बना दिया जाए और उस पास पर हम फोटो लगाएंगे, दो फोटो मांगेंगे, एक फ़ोटो अपने रजिस्टर पर लगाएंगे, उसको मेंटेन करेंगे, उसके साथ हम आधार कार्ड भी लेंगे और हम 50 रुपया उस पर फीस रखेंगे एक महीने का, तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन उसमें सही व्यक्ति हैं कौन सही व्यक्ति नहीं है। और उसमें हमने एक एज बैंड भी रखा, बैन किया एज का, कि जो 30 वर्ष बाहरी व्यक्ति हैं और 30 वर्ष से कम उम्र के हैं और सर्विस नहीं करते हैं उनका हम पास बिल्कुल नहीं बनाएंगे, जो स्टूडेंट हैं उनका भी हम पास बिल्कुल नहीं बनाएंगे, जो हमारी बहन बेटियां ये शहर की आती थी उस समय, तो उन ये साहब ने कहा कि उनके लिए क्या करोगे आप। हमने साहब जो महिलाएं आती हैं उनको तो हम पास बनाएंगे लेकिन जो बेटियां आती हैं उन पर हम कुछ अंकुश रखेंगे कि उनके साथ उनका गार्जियन आएगा तभी उनका हम पास बनाएंगे, अगर उनका गार्जियन नहीं आएगा वो अकेले टहलने आएंगी तो उनका हम पास नहीं बनाएंगे, तो और जो गार्जियन साथ में आएगा उनका भी पास बनाएंगे ताकि वो खड़े रहें जैसे भी हो। तो ये इस पर हमने पहले साहब ने कहा कि ठीक है ये तुम्हारी सोच सही है, इस पर तुम काम करो। और हमने इसलिए साहब नॉलेज में डाला ताकि कोई शिकायत करता भी और कप्तान साहब के पास जाएगा तो इसकी जानकारी उनके पास रहेगी।